मेरे घर के बेटा और बेटी से निवेदन है, मेरे घर के बुजुर्गों से निवेदन है, मेरे घर की बहुओं से, घर के युवान बेटा बेटियों से निवेदन है, जिस समय तुम्हारे घर में आरती की आवाज आए, तुम नहाए कि ना नहाए, तुमने स्नान करा कि नहीं करा, उस आरती के समय पर उस दिए की एक झलक पाने के लिए माँ के सामने, उस भगवान के सामने जाकर खड़े हो जाना, दुनिया का आधा दुख तो समाप्त हो जाएगा। कि पहले गांव में जब आरती होती थी, पूरे गांव के घर से एक एक व्यक्ति उस आरती में पहुंचते थे, सब नहीं जा पाते थे तो एक घर का व्यक्ति पहुंचता था। क्यों पहुंचता था? कि जब वो आरती में से आता था तो आरती की बलैया लेकर जब वो घर में पहुंचता था, उसके आरती की बलैया लेते समय हाथ में जो आंच लग जाती थी, कपूर की लो लग जाती थी, वो घर के जिस अंग पर घर में जहां जहां वो हाथ लगता था, उस घर से अला बला सब चली जाती थी। क्यों कहते हैं कि आरती में जाए? क्यों कहते हैं कि घर में आरती हो तो मंदिर नहीं जा सकते, तो घर की आरती को अपनी खिड़की में से झांक कर तो देख सकते हो, फिर जाके सो जाना। पर आरती हो उस समय पर एक झलक उस दीप की मात्र देख लेने से भी दुख समाप्त हो जाता है। ना जाने कितने कितने दुख समाप्त हो जाते हैं।